सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल की जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 8, बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल आना चाहिए। उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी कौन से फॉर्म की है, इसके अंदर कौन से डिजिट होते हैं 0 एंड 1, और लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होता है 1, और ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, और लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होता है 7। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टेबल ऑक्टल नंबर और ये रहा बाइनरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको 0 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0, 0, 0। ऑक्टल को और ऑक्टल 1 को, ऑक्टल 1 नंबर को कैसे लिखेंगे 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 को हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 का बाइनरी फॉर्म क्या बनेगा 000। ठीक है, ऐसे ही 1 का क्या बनेगा 001। बट अब हम इसको याद कैसे करें, क्योंकि 7 डिजिट है तो 7 का हर याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिससे आप इजिली इसको याद रख सकेंगे। वो ट्रिक है कि हमें क्या नंबर याद रखना है 421। कौन सा नंबर याद रखना है 421। अगर हम 0 की बात कर रहे हैं कि हमने 0 को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो इसमें देखो, इसमें आपको कहीं भी 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो तीनों को क्या लिख दो 0, 0, 0, मतलब ना तो हमारा 4 है, ना तो हमारा 2 है, ना तो हमारा 1 है। तो 0 का क्या बन जाएगा बाइनरी फॉर्म 000। ऐसे ही 1 का, अब देखो इस नंबर में आपको कहीं पर भी 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 1 के नीचे क्या लिख दो 1, और बाकियों को क्या लिख दो 00। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 का बाइनरी फॉर्म। सिमिलरली आपको 2 दिख रहा है, 2 के नीचे क्या लिख दो 1, 2 के नीचे क्या लिख दो 1, और बाकियों को क्या कर दो 00। तो ये क्या बन जाएगा 010। अब आई 3, तो 3 कैसे बनता है 2 और 1 को मिलाकर बन रहा है 3, तो 2 और 1 दोनों के नीचे ही क्या लिख दो 11, और 4 के आगे क्या लिख दो 0, क्योंकि 4 तो हमारा है ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 का बाइनरी फॉर्म। सिमिलरली 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 के लिए हम क्या करेंगे 4 के नीचे 1 को लिखेंगे और बाकी को क्या लिखेंगे 00। सिमिलरली 5 के लिए, अब देखो 5 कैसे बना सकते हैं हम, क्या इन तीनों डिजिट में से किसी दो डिजिट को मिलाकर 5 बना सकते हैं, या किसी तीन डिजिट को मिलाकर भी 5 बन सकता है? तो हाँ जी, 4 और 1 को मिलाकर क्या बन रहा है 5। तो 4 और 1 के नीचे क्या लिख देंगे 11, और 2 के नीचे क्या लिख देंगे 0। ऐसे सिमिलरली 6 के नीचे 4 और 2 मिलकर क्या बन रहे हैं 6, 110। 7 तीनों मिलकर क्या बन रहे हैं 7, तो क्या लिख देंगे हम तीनों का 111। तो इसके लिए आपको क्या कौन सा नंबर याद रखना है 421। अगर आपने ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा नंबर को 421। ठीक है, समझ गए। तो अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, 627 ऑक्टल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, बस 3 डिजिट का पता होना चाहिए हमें 421। सिंपली 3 डिजिट का पता होना चाहिए। 627 को हम कैसे लिखेंगे, 6 कैसे बनेगा 110। 4 और 2 को मिलाकर 6 होता है ना, तो 110, तो 110 6 का आ गया नंबर। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे 2 बीच में है, तो ये इसके नीचे लिख देंगे 1, और बाकियों के नीचे क्या लिख देंगे 00। तो इसका क्या आ जाएगा 010। सिमिलरली 7 कैसे लिखेंगे, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, तो तीनों के नीचे हम क्या लिखेंगे 111। तो 7 का क्या आ जाएगा 111। तो तीनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा आंसर 010111, और इसको हम ब्रैकेट में डालकर और इसकी बेस क्या लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू द बाइनरी फॉर्म। सिंपल है, सिर्फ इस चीज को याद रखना है 421। तो अब हम एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, डेसिमल वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन है हमारा 170.6। 170, एक मिनट गाइस, 170.6 इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो 170 को कैसे लिखेंगे, सिमिलरली 421 हमें आना चाहिए। 421 1 कैसे बनेगा 001,
जीरो जीरो वन, सेवन कैसे बनेगा तीनों को मिलाकर वन वन वन, वन वन वन, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, और जीरो अगर हम इसमें कोई जीरो तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे जीरो 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 जीरो, तो ये क्या आ गया हमारा 170 का बाइनरी फॉर्म। सिमिलरली हमें पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले डिजिट का भी बाइनरी फॉर्म फाइंड आउट करना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे 6 का बाइनरी फॉर्म क्या आएगा 4 प्लस 2 6 1 1 0। अब हम इसको कंबाइन करके आंसर लिखेंगे 001.00111100, और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला डिजिट है उसको हम पॉइंट के साथ ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हमें एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू द बाइनरी। 553 37.38, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे 55337। सिमिलरली 421 हमें आना चाहिए, 5 को कैसे लिखेंगे 4 और 1 मिलकर 5 बनाते हैं तो 101, इसका भी 101। 3 को कैसे लिखेंगे 2 प्लस 1 3 0 1 1 3 0 1 1। 7 को कैसे लिखेंगे तीनों मिलकर 4 प्लस 2 प्लस 6 7, तो तीनों के नीचे 1 1 1 आएगा 1 1। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला डिजिट 3 है तो 2 प्लस 1 3 0 1 1, तो जो नंबर हमें कंबाइन करके मिल रहा है उसके नीचे क्या लिख देंगे 1, और जो नंबर नहीं है उसके नीचे 0, तो 0 1 1, तो कंबाइन करके हमारा आंसर बन जाएगा 101 101 011 011 111, पॉइंट के साथ लिखेंगे इसको 011, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इफ यू लाइक द वीडियो कंटेंट प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।